जय श्रीमन्नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 13। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के शिक्षा देता है। परमात्मा कहता है, अर्जुन शुद्ध आत्मा कोनो भी काम कर सकते हैं। हर जगह उसके हाथ और पैर होते हैं, हर जगह उसके आँखें, सिर और मुख होते हैं, हर जगह उसके कान होते हैं और वो आत्मा ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्ता है। आत्मा का हाथ, पैर, आँख, मुँह, नाक और कान के इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इन इंद्रियों के बिना आत्मा वे सभी कार्य कर सकते जौन वे इंद्रिय करत हैं। ये परमात्मा के विशिष्ट लक्षण है। काहे कि आत्मा लगभग परमात्मा के समान है, इसलिए आत्मा में भी ये विशेषता है। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा हमरे मूल स्वरूप का स्पष्ट करता है। आओ हम अपने मूल स्वभाव का लगातार याद रखें और ये अनुभव करें कि हम श्रीमन नारायण के ही श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण के प्रति समर्पण करके अपने जीवन का सार्थक बनावे का प्रयास करते हुए आओ हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों का श्लोक के रूप में यथावत दोहरावे का प्रयास करें। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। श्रीमद् भागवत गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है। ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा, तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब। आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देते समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसरा वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकं शरणं व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन्नारायण हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भागवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अब हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ये व्यवहार करब, और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। ओम सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध, हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायणास्त्रम पढ़ें। नारायणास्त्रम प्राप्त करने के खातिर नारायणास्त्रम वेबसाइट www.narayanastram.org पे जाके पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपके ईमेल पे आपको एक नारायणास्त्रम PDF तुरंत मिल जाएगी। PDF में 1 रामायण श्लोक, 1 गीता श्लोक और 1 विष्णु नामबा, तीनों का एक साथ नारायणास्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायणास्त्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन्नारायण।